देखिए आप टेंशन आइए मत, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी शादी निराशा हमारा मतलब है आशा से जरूर होगी। अरे वाह मालवी जी, बड़ी हुकार दे दे के गारंटी दे रही हैं आप। पति, हम कैसे मान लें आपकी ये गारंटी? इधर गारंटी देने वाली आप अकेली और उधर आपका परिवार आपसे एंटी। देखिए आप बहुत घंटी बजा रही हैं अपने माइंड की। बाकी एक बात कह देते हैं, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझी? अरे जब हम कह रहे हैं कि मैरिज होगा तो काहे नहीं मान लेती? अरे डॉक्टर हमारे है तो डिसीजन भी हमारा ही होगा ना। बस अब थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि हम अपने घर में सब कुछ अंडर कंट्रोल करें। अरे थैला भर भर के रुपया दिए, उस टाइम ख्याल नहीं आया? अब बहुत पटर पटर बोल रही है, हम घर में बैठे रहेंगे इंतजार करते। देखिए हिस्ट्री फिलोसफी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं सब कुछ। और हाँ एक और बात, हमारे घर का भी ज्यादा राउंड मारने का कोई जरूरत नहीं है। अरे बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम खुद नहीं आएंगे, इंतजार कर लेंगे, पर इतना भी इंतजार नहीं करेंगे। बता देते हैं दिन और तारीख बहुत जल्दी पक्का कर दियो, न तो हमारे दिन तारीख पूरा हो जाएगा, हम जहर खा के मर जाएंगे। चिट्ठी लिखेंगे जिसमें तोरा नाम होगा, फिर ओकरे बाद पुलिस आएगी और तुमको पकड़ के लेके जाएगी, जेल में डाल के चक्की पिटवाएगी, समझे? नहीं नहीं भैया, ये मरने मराने की बात कोनो कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी शादी तो इस घर में हो ही रही है ना। अरे चंपक लाल जी ठीक है तो कह रहे, अरे हम कह रहे ना, अरे मैरिज होकर रहेगा तो होकर रहे, कौन रोकता है? ऐसा क्या फड़फड़ के क्या देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा बाइट कर कर डाइजेस्ट कर लोगी, क्या बात है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या क्या कर चुकी हैं और आपका क्या करने का इरादा है। क्या जानती हो तुम, कहना क्या चाहती हो? ऐसा झूठी बकबका रही हो, आप क्लियर क्लियर बात करो हमसे। ये कि जब आप घर से सुबह सुबह किसी को बिना बताए चुपचाप निकलती हो तो उसका कोई बहुत गहरा मतलब होता है। आप हमारी एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए मम्मी जी, कि हम आपको आपके किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। हम आपको इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। चुप चुप, ये जो गजबर जबान है ना, खींच के सल डाल डाल के कूच देंगे, याद रखना। अरे बहुत मन बढ़ गया है, बहू हो ना तो बहू की तरह जरा बिहेव करो, हमारी मदर इन लॉ बनने की कोशिश ना करो, वॉचमैन के तरह हमारे ऊपर पहरेदारी नहीं करो, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा तुमको। नजर रखनी है ना तो अपने पति के ऊपर, समझी का? उसकी केयर करो, उसकी देखभाल करो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ। अपनी तरह हम तो निभाया नहीं, हमको चलिए रिलेशन का मीनिंग सिखा। तुम्हारा एक प्रवचन सुनने का टाइम नहीं हमारे पास, बहुत वर्क है हमको, तुम्हारी तरह काहिल नहीं है। सुबह से किचन में कुछ नहीं किया हो, पड़ी रही होगी हाथ बांध के भाई। ये कुल 535 रुपए हुए माँ जी, नया पुराना मिला के 535। पर भैया पिछले हफ्ते हिसाब किए थे ना तुमरा? नहीं माँ जी, वो कामे बहू ने तो पैसे दिए होंगे ना आपको? दुल्हन जी ने हमें कोई पैसे नहीं दिए। अच्छा एक मिनट रुके भैया, हम अभी आते हैं। ठीक है। बहू वो धोबी आया बाहर, वो पैसे दिए थे ना पिछले हफ्ते हिसाब करने के लिए, क्या हुआ तुमने दिया नहीं उसको? जब हम तुमको कहे थे हिसाब करने के लिए तो काहे नहीं किया? हाँ मम्मी जी वो क्या हुआ ना कि फिर जाने दो, अब जल्दी जाके पैसे लेके आओ, उसका हिसाब करें, वो खड़ा है बाहर भाई। अरे जाओ ना जल्दी, पैसा लेके आओ भाई। क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई?
हम बहू को ना पैसे दिए थे धोबी का हिसाब करने के लिए, पर उसने हिसाब ही नहीं किया। कामया, तुम ऐसी भूल क्यों करती रहती हो? आखिर कब जिम्मेदार बनोगी? अच्छा चलो जाओ, जाकर वो पैसे लेके आओ। राहुल, वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ गए पैसे बताओ कामया। राहुल, वो क्या हुआ ना कि मैं उस दिन घूमने गई थी ना, तो वहां पर ना मुझे एक नेल पॉलिश बहुत ही पसंद आई। ये देखो, ये वाली मैंने लगाई भी है, बहुत डिफरेंट है, तो मैंने ले ली। नेल पॉलिश खरीद ली? अरे तुम्हें पता नहीं कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं? यहाँ मम्मी एक एक पैसा जोड़कर घर चलाने की कोशिश कर रही है और तुम इस तरीके से पैसे बर्बाद करी जा रही हो। तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। अरे आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी? और ये तुम्हारी नेल पॉलिश, हाँ, रोजमर्रा की चीजों से ज्यादा जरूरी होगी। कितना हो गया भैया? भैया जी 535 रुपए हो गए। आज सुबह तक ले हम आपसे माफी चाहते हैं। अरे कौनो बात नहीं भैया जी। अच्छा जयराम जी की कामया, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा ऐसी हरकत करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो मुझ पर ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने किसी का खून कर दिया है। एक नेल पॉलिश ही तो ली है, ठीक है ना? अगर मेरा हस्बैंड मेरी नीज की ख्याल नहीं रख सकता तो मेरी मम्मी तो रख सकती है। मैं अपनी मम्मी से सारे पैसे वापस लाकर तुम्हें दे दूंगी। अपनी माँ से पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमसे मांग लेना। घर के खर्चों से पैसे निकाल के खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? राहुल, समझेगी मेरी जूती? जब देखो जब सब मुझे ही समझाते रहते हैं। भिख मांगो की तरह जिंदगी नहीं जी सकती मैं भी देखती कि कोई मेरी कितनी नीड पूरी करता है। ये कैसे बात कर रही हो तुम? हाँ, अपने पति से ऐसी बात की जाती है? तुमको लाज शर्म है कि नहीं? ये सब तुम्हारे घर में होता होगा, यहाँ नहीं चलता ये सब। जाओ अपने कमरे में जाओ। हे भगवान, तीन दिन के टाइम है, अखरे बाद हम घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बन के आएंगे और अपनी दुल्हनिया आशा को ब्याह के लिए जाएंगे। टहल रही हो? हाँ, ये देखो किचन है, किचन समझी? पैसे ही सिर्फ फूड बनाना आता है तुमको, उसमें भी तुम रूड हो रही हो, हैं? अरे रंग ब्लैक है तो इसका मतलब ये है कि तुम काम में भी लग करो। मम्मी, क्या हम काले पैदा हुए इसीलिए हम आपकी बेटी नहीं रहे? कभी कभी गलती से घर में कोई कबूतर आ जाता है और पंखे से कट जाता है तो तकलीफ तो होती है ना, पर हमें तो आपने जन्म दिया है, फिर आप हमें इस तरह से तकलीफ में कैसे छोड़ सकते? थोड़ा No need to be emotional, okay? अरे तुम तो छोटे बड़े जितने भी भाई बहन है ना, उन सब की शादी हो चुकी है, केवल तुम्हारी ही नहीं हुई। काहे के तुम ब्लैक? अरे हम तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोच रहे हैं ना एकदम करेक्ट सोच रहे, सच मानो तुम हमारी बात। अरे तुमको लाइफ के बारे में क्या पता? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे लिए कौनो फेयर एंड लवली हैंडसम भाई तुम्हारा हैंड पकड़ने आएगा का? ऐसा कुछ होने होने वाला है, ड्रीम करना छोड़ दो। अरे तुम पर एक बात बताते हैं, अगर भाई सफेद दूध नहीं देती होती ना तो ये दुनिया का लोग उसको कब से दुनिया से नहीं इस प्लेनेट से ही माइनस कर देते। अरे तुम नॉर्मल लड़की नहीं, तो नॉर्मल क्या है सोच? क्वीन बन, क्वीन।
और अगर हमें क्वीन नहीं बनना हो तो हमेशा नौकरानी बन के रहना हो तो हम ये शादी हम नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बार मैं नहीं ना समझ में आया ना तुमको इंडिविजुअलिटी का रूल, अब आए उदाहरण सहित व्याख्या हुआ ना पेन, इसे कहता है इंडिविजुअल पेन जो सिर्फ तुम अकेले को हुआ। ठीक वैसे ही अगर हमारी मेहनत पर कोनो पानी फेरेगा ना तो हमको इंडिविजुअल पेन होगा, और अगर हमको पेन होगा ना तो हम सामने वाले पर स्ट्राइक। हम भाभी को बोलो कि जाकर के कंप्लेंट कर दे पुलिस में कि माँ ने बेटी को जला, देख जा पुलिस का कर। अपने पति को तो पता नहीं पाई, चलिए हमको पेट एनिमल बनाने। अरे तुम ही बनाओ सब पेट एनिमल। प्रिंस जी, अरे ऐसे ही रहिए, बिल्कुल ऐसे ही, जरा हम भी तो देखें कि हमारा चांद सूरज की रोशनी में कैसा लगता। आप पीना प्रिंस जी, हटिए, ये क्या कर रहे हैं हम? कोई देख लेगा तो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि कितना प्यारा कपल है। आपने अपनी मम्मी से परमिशन तो ले ली है ना? हमारा मतलब है कि आप हमारे साथ ऐसे रोमांस कर सकते हैं कि नहीं? अभी तो आपकी मम्मी नीचे बोल रही थी कि गीता तुम प्रिंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती। अच्छा, मॉम ये कह रही थी? आई लव यू मॉम। मॉम हमें कितना समझती है, हमारी भी तो तुमसे यही शिकायत है। आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं, वो कह रही थी कि हम आपके लिए टाइम नहीं निकालते, वो ठीक है, लेकिन हम उनके निजी मामलों में बहुत दखलअंदाजी करते हैं। क्या हुआ? हम अभी मलम लेके आते हैं, एक मिनट। ये कैसे हुआ? मम्मी जी ने कराई। बोली ये सब कैसे हुआ दीदी? वो मैं रोटियां बना रही थी तो चिमटा हाथ से फिसल गया और नीचे गिरने से पहले मेरे हाथ में लग गया। इतना चल गया? आपको छुपा तो नहीं रही है? सच तो बोल रही है? जरा ध्यान से काम किया कीजिए। क्या ध्यान से काम करूं प्रिंस? अब मैं अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं। क्या फर्क है मेरे जीने और मरने में? जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी बेजान चीज बन गई है, कोई भी आके हमें खरीद सकता है। कोई भी हमारी बोली लगा सकता है उस चंपक लाल की तरह। फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा प्रिंस? कैसी बातें कर रही हैं आप आशा दीदी? फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, प्रिंस जी को फर्क पड़ता है, और आपके जैसी अच्छी और प्यार करने वाली बहन सबको नहीं मिलती, और आपके इसी प्यार का वास्ता है हमें। हम आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम उस चंपक लाल के पैसे उसके मुंह पे मारेंगे। आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए, सब ठीक होने वाला है।
आपको पता नहीं है, बहुत सुंदर हैं आप। और देखिएगा, हम और प्रिंस जी आपके लिए एक बहुत अच्छा दूल्हा तलाशेंगे। बहुत अच्छे ससुराल में जाएंगे आप। भरोसा है ना आपको हम पर? भाभी, हेलो गीतू, कैसी हो बिटिया? सब ठीक तो है ना? हम ठीक है मम्मी, आप कैसी हैं? कहाँ बताएं बिटिया, कहाँ ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ मम्मी? करना भाभी तो ठीक है ना? करना बहुत तो ठीक है बिटिया, लेकिन हमको तो लगता है कि पिछले जन्म में हमने शायद पुण्य भी किए होंगे तो बहुत बड़ा पाप भी किया होगा कौनो। तभी तो हमको करुणा बहू जैसी सुशील बहू मिली और दूसरी तरफ काम्या बहू जैसी बहू मिली जो कुछ समझती ही नहीं है। मम्मी आप क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? एक तरफ करुणा बहू की तकलीफ बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और दूसरी तरफ काम्या बहू हंगामा मचाए घर के अंदर, रोज नया नाटक खड़ा कर देती है घर के अंदर। अब तो तंग आ गए, परेशान हो गए बिटिया। और तो और उसने मामी को भी नहीं बख्शा, पता नहीं का उल्टा सीधा भक्ति रहती है उनके खिलाफ उनके सामने। वो तो करना बहू की शक्ल देख के रुकी हुई है बेचारी, वरना उनको मारती भी और घर से भी चली जाती। हाँ करेंगी तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिटिया, कैसे होगा सब कुछ? हम वहीं आते और वहीं आके इस बात का कोई सलूशन निकालते। हाँ आ जाओ बिटिया। क्या हुआ गीता, कोई प्रॉब्लम है? वो काम्या भाभी ने घर में वो करना भाभी की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है ना, माँ अकेली पड़ गई है तो घबराई हुई है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। अरे तो जाओ ना, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि अभी जाओ, करुणा भाभी को तुम्हारी ज़रूरत है, और आशा दीदी को भी साथ में लेके जाओ, ये वहाँ जाएंगी तो इनका मूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग चलते हैं, शाम को लौट आएंगे। हाँ जाइए। चलिए दीदी। अपना ध्यान रखिएगा दीदी। तो हद हो गई है मम्मी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें आपको किस तरीके से संभालें। कभी कभी तो हमारा ये दिल करता है कि हम उसे डिवोर्स दे दें, कम से कम ये सब मुसीबत तो नहीं होगी। मीरा ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? हाँ अरे मियाँ बीबी में छोटी मोटी बातें होती रहती, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जाके अपनी बीवी को छोड़ दो। हमारे संस्कारों बीवी को छोड़ना नहीं होता बेटा, ऐसी बातें मत सोचो। हाँ हम जानते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तो लगा था कि रामनवमी के बाद काम्या की अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसे, वो वहीं की वहीं जहां थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और जब घर परिवार साथ में होता है ना तो फिक्र करनी नहीं चाहिए। हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कह रही है, और इन सबसे बाहर निकलने में हम आपकी मदद करेंगे जी। भैया हिम्मत हारने से इंसान सब कुछ हार जाता है, अगर वो हिम्मत रखे ना तो वो बड़े से बड़े समर को भी बहुत आसानी से जीत सकता है। ये तो ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन करने वाला जानता है कि ये सब कितना मुश्किल है। लेकिन आपको उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना भैया, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो ये गीता पलीता फिर आ गई कोई ट्रिक लगाने के, मेरी मम्मी की निराशा को अपनी आशा की किरण बना के लाई है इस घर। समझती है कि ये आशा की किरण इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, बुझे हुए घर में रोशनी लेके आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी।